जय हिंद बच्चों, जैसा कि आप रोज़ ही करते हैं अपने फ़ोन को चार्ज, जब भी वो डिस्चार्ज हो जाता है हम उसे चार्ज करते हैं। तो फ़ोन को चार्ज करने के लिए हमें एक चार्जर की ज़रूरत होती है और उस चार्जर की मदद से हम अपने फ़ोन को चार्ज कर लेते हैं। इसी तरह से जब हम लैपटॉप की बात करते हैं तो उस लैपटॉप को ऑपरेट करने के लिए भी हमें ज़रूरत होती है एक अडाप्टर की या फिर एक चार्ज की। तो हमने देखा, जब हम चाहे बात करें अपने मोबाइल फ़ोन की, चाहे अपन बात करें लैपटॉप की, चाहे अपने कैमरे की, इन सभी की बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें एक अडाप्टर की ज़रूरत पड़ती है। बिना अडाप्टर के हम अपना डायरेक्ट सॉकेट में कनेक्शन करके इसको चार्ज नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं फ़ैन की, अपने कूलर्स की और लाइट्स की, तो इनको ऑन करने के लिए हम डायरेक्ट प्लग को सॉकेट के अंदर डाल के यूज़ कर लेते हैं। तो मतलब यहाँ से ये सिद्ध हुआ कि करंट्स में भी शायद कोई डिफरेंस है, क्योंकि एक तरफ हम अडाप्टर के थ्रू करंट को अंदर फ्लो करा रहे हैं और दूसरी तरफ हम डायरेक्ट करंट को फ्लो करा रहे हैं। तो यहाँ पे करंट में क्या डिफरेंस है? तो अपन बोलेंगे जी हाँ, यहाँ पे करंट में सही में डिफरेंस होता है। तो करंट में जो पहला करंट होता है वो होता है डायरेक्ट करंट। मतलब डायरेक्ट करंट एक ऐसा करंट होता है जो टाइम के साथ अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, यहाँ पे जो करंट है इसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, तो इसे हम कहेंगे स्टडी डायरेक्ट करंट। स्टडी वर्ड हमने यहाँ पे इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे करंट की वैल्यू कम नहीं हो रही है। और कभी कभी ऐसा होता है डायरेक्ट करंट में कि करंट की वैल्यू टाइम के साथ चेंज होती है, तो उस केस में जैसा आप बोर्ड पर देख रहे हैं हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का होगा और इसे हम कहेंगे वेरिएबल डायरेक्ट करंट। अब दूसरा करंट क्या होगा? दूसरा करंट होगा अल्टरनेटिंग करंट, जो आज अपना चैप्टर है, इसे हम प्रत्यावर्ती धारा भी कहते हैं। अब हम प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट क्यों यूज़ करते हैं? अल्टरनेटिंग करंट हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट को एक जगह से दूसरी जगह तक हम बहुत ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि अपन किसी भी पॉइंट पर ट्रांसफार्मर के थ्रू इसकी वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। दूसरा, इसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में हमारी एनर्जी लॉस जो होती है वो बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ डायरेक्ट करंट। अगर हम वही डायरेक्ट करंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाएंगे तो हमारी जो एनर्जी वेस्ट होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। तो हम बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की। अल्टरनेटिंग करंट ऐसे करंट होते हैं जिनकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन और वैल्यू कंटिन्यूसली टाइम के साथ चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं इस ग्राफ में, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है करंट की या वोल्टेज की, उसे हम बोलते हैं इसकी पीक वैल्यू या फिर इसका एम्पलीट्यूड, जो यहाँ पर हमने आई नॉट से एक्सप्लेन किया हुआ है। और जब हम वोल्टेज का ग्राफ बनाते हैं तो हम यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे वी नॉट से, जो हम बोलेंगे पीक वैल्यू। इसको आयाम या शिखर मान भी बोल सकते हैं। एक ऑसिलेशन में हमें दो पीक वैल्यूज़ मिलती हैं, एक ऊपर की तरफ दूसरी नीचे की तरफ। अब हम बात करते हैं यहाँ पे करंट को हम किस कैसे एक्सप्रेस करें, क्योंकि पिछले वाले जब डायरेक्ट करंट की हम बात कर रहे थे उस डायरेक्ट करंट में तो हमने बताया था आई करंट है, उसकी डायरेक्शन हमने बता दी थी, लेकिन यहाँ पर जो करंट है वो एक वेव के फॉर्म में चल रहा है, इसलिए हम यहाँ पर करंट की इक्वेशन कुछ इस तरह लिखेंगे आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर आई नॉट जो होता है पीक वैल्यू होता है, ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी करंट, और टी उस पर्टिकुलर टाइम पर जो ऑसिलेशन हो रहा है। अब यहाँ पर आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये करंट की इक्वेशन है, इसको हम पोटेंशियल की इक्वेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो होगी वी इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे आई नॉट और वी नॉट वही मैक्सिमम वैल्यू हैं जो हमने कुछ देर पहले ही डिस्कस की थी। इसके बाद हम बात करते हैं टाइम पीरियड। एक कंप्लीट ऑसिलेशन होने में जो टाइम लगता है किसी भी एसी करंट को, उसे हम बोलते हैं उस एसी करंट का टाइम पीरियड या फिर आवर्त काल। इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं टी इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, क्योंकि एक सर्कल का जो एंगल होता है वो 2 पाई रेडियन होता है और ओमेगा हुई इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी या फिर एंगुलर वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं इसकी फ्रिक्वेंसी की। किसी भी एसी सर्किट एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशंस करता है वो होगी इसकी फ्रिक्वेंसी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। जैसा कि बच्चों आपको मालूम है, यहाँ पे एसी करंट में हमेशा करंट की वैल्यू
चेंज होती रहती है और वैल्यू के साथ उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है। तो हम कौन से करंट की वैल्यू को माने, इसलिए हम क्या करते हैं, इस पूरे वन साइकिल में क्या करंट है उसका एवरेज निकालते हैं। तो हम निकालेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन वन कंप्लीट साइकिल। इसमें आई एवरेज इक्वल्स टू, जैसा हमें मालूम है, हम करंट का इंटीग्रेशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में अपॉन डीटी। अब क्योंकि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जीरो टाइम से और टी टाइम तक हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिमिट लेंगे जीरो टू टी, जीरो टू टी। अब आई की वैल्यू हमें मालूम है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू टी आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ वन डी टी जीरो टू टी। यहाँ पर आई नॉट जो है वो कॉमन है, तो हमने आई नॉट कॉमन निकाल दिया। और हमें मालूम है साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और यहाँ पे अपन लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो होगी जीरो टू टी। इसके बाद हम इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वन डी टी इज टी लिमिट जीरो टू टी। जब हम इसकी लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का आई नॉट अपॉन ओमेगा, जो कॉन्स्टेंट टर्म थी। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, कॉस ओमेगा इंटू टी माइनस कॉस ओमेगा इंटू जीरो अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज टी माइनस जीरो। अब यहाँ पे हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का आई नॉट अपॉन ओमेगा। यहाँ पे जब हम टी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी है, टी इक्वल्स टू टू पाई बाय ओमेगा, तो ये होगा कॉस ओमेगा इंटू टू पाई बाय ओमेगा माइनस कॉस जीरो, क्योंकि ओमेगा मल्टीप्लाई जीरो में होगा, तो वो हो जाएगा जीरो अपॉन टी माइनस जीरो। यहाँ से ओमेगा हो जाएगा कैंसिल। जैसा कि हमें मालूम है कॉस टू पाई की वैल्यू होती है वन और कॉस जीरो की वैल्यू भी होती है वन। जब हम इन वैल्यूज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा टी वन माइनस वन, और वन माइनस वन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो फाइनली हमें मिलेगा एक एवरेज साइकिल में जो करंट की वैल्यू होती है वो होती है ज़ीरो। इसी तरह से जब हम वोल्टेज की इक्वेशन देखते हैं यहाँ पर, तो होगी वी नॉट साइन ओमेगा टी, और जब हम इसका इंटीग्रेशन करें या फिर इसका मीन निकालें हम जीरो टू टी टाइम पर, तो वो भी हमें मिलेगा ज़ीरो। कि हाफ साइकिल के लिए करंट की वैल्यू होती है I इक्वल्स टू टू आई नॉट बाय पाई, इसी तरह नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए करंट की वैल्यू होगी I एवरेज इक्वल्स टू माइनस टू आई नॉट बाय पाई, और वोल्टेज की वैल्यू भी होगी V एवरेज इन नेगेटिव हाफ साइकिल इक्वल्स टू माइनस टू वी नॉट बाय पाई। अब यहाँ पे हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि एक साइकिल में यहाँ पर करंट की वैल्यू हो रही है ज़ीरो, लेकिन करंट तो हम फील करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में और नेगेटिव हाफ साइकिल में जब कोई एसी मूव करता है, तो दोनों ही हाफ साइकिल में वो अपनी एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर हम करंट को मेजर करने के लिए एवरेज वैल्यू का यूज़ ना करके हम इसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं। ये इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमें मालूम है हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम निकालेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, जिसको हम आई आर एम एस भी लिख सकते हैं। सो आई आर एम एस का स्क्वायर जो होगा वो आई स्क्वायर डी टी अपॉन आई डी टी के बराबर होगा, और हम यहाँ पे लिमिट रखेंगे जीरो से टी, जीरो से टी, जिसमें जब हम आई की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा जीरो टू टी आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ वन डी टी इज टी, और लिमिट सब्स्टिट्यूट करने पे मिलेगा जीरो से टी। अब हमें मालूम है क्योंकि हम साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो होगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन माइनस कॉस टू थीटा बाय टू। तो यहाँ पे जब हम इसको वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी
अपॉन टू, और इस टू को हम लिख लेते हैं यहाँ बाहर, और यहाँ पे हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा आई नॉट स्क्वायर बाय टू, वन का जब इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें मिलेगा टी, इसकी लिमिट्स होंगी जीरो से टी, माइनस कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करने पे हमें मिलेगा साइन टू ओमेगा टी अपॉन टू ओमेगा, और क्योंकि ये ब्रैकेट में है तो यहाँ पे हम लगा देंगे इसके ब्रैकेट्स, और यहाँ पर लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो जीरो से लेके टी। अब जब हम यहाँ पे अपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कही थी तो हमें मिला था टी माइनस ज़ीरो, और माइनस ज़ीरो की वैल्यू कुछ होगी नहीं। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो हमें मिलेगा आई नॉट स्क्वायर बाय टू, अपर लिमिट इज टी माइनस ज़ीरो माइनस वन अपॉन टू ओमेगा, यहाँ पर भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो यहाँ पर हमें मिलेगा साइन टू ओमेगा टी माइनस साइन ज़ीरो अपॉन टी। इसको यहाँ पर जब हम टी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा आई नॉट स्क्वायर बाय टू, टी की वैल्यू जो हमने पढ़ी हुई है टू पाई बाय ओमेगा माइनस वन अपॉन टू ओमेगा, यहाँ पे हम वापस वैल्यू पुट करेंगे टी की तो होगा साइन टू ओमेगा टू पाई बाय ओमेगा माइनस साइन ज़ीरो अपॉन टी, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी आई नॉट स्क्वायर बाय टू टू पाई बाय ओमेगा माइनस वन अपॉन टू ओमेगा, यहाँ पे इस ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, यहाँ पे टू टू पाई साइन फोर पाई माइनस साइन ज़ीरो। अब हमें मालूम है साइन फोर पाई की वैल्यू और साइन ज़ीरो की वैल्यू, दोनों वैल्यूज़ जो होती हैं वो ज़ीरो होती हैं, तो ये हमारा कंप्लीट सेकंड टर्म जो होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, और इस टाइम को हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम जब इस टाइम की वैल्यू पुट करेंगे तो होगा आई नॉट स्क्वायर बाय टू, ये होगा टू पाई बाय ओमेगा इन टू टू पाई बाय ओमेगा, तो ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा और टू पाई से टू पाई, तो हम यहाँ पर देखेंगे हमारी आई आर एम एस स्क्वायर वैल्यू जो आई है वो आई है आई नॉट स्क्वायर बाय टू। जब हम इस स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे तो हमें मिलेगा आई आर एम एस इक्वल्स टू आई नॉट बाय रूट टू, ये वैल्यू होगी करंट की आर एम एस वैल्यू। इसी तरह से हम बात करते हैं पोटेंशियल की आर एम एस वैल्यू, तो पोटेंशियल की आर एम एस वैल्यू वी आर एम एस इक्वल्स टू होगी वी नॉट बाय रूट टू। बच्चों जैसा कि हमने एसी करंट में पढ़ा है कि करंट की वैल्यू टाइम के साथ चेंज होती रहती है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है, तो अगर हम कोई पोटेंशियल अप्लाई करें V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी किसी भी रेजिस्टेंस के ऊपर, तो हम देखते हैं जब वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होती है तभी करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और जब वोल्टेज की वैल्यू मिनिमम होती है तब करंट की वैल्यू मिनिमम होगी। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि करंट और पोटेंशियल दोनों में फेज डिफरेंस जो है वो ज़ीरो है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर करंट और पोटेंशियल में फेज डिफरेंस जो होगा वो होगा ज़ीरो। इसी तरह से कभी कभी हम देखते हैं जब हम कोई पोटेंशियल अप्लाई करते हैं किसी अप्लायंस पर, तो उस अप्लायंस में करंट जो होता है पोटेंशियल के मैक्सिमम से पहले हो जाता है, और ऐसे में हम कह सकते हैं जो करंट है वो पोटेंशियल से लीड कर रहा है, तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं करंट लीड्स अहेड पोटेंशियल, या हम कह सकते हैं धारा विद्युत से अग्रगामी है। इस तरह से कभी कभी होता है कि वोल्टेज के करंट पीछे होता है, मतलब वोल्टेज पहले मैक्सिमम होता है और करंट बाद में मैक्सिमम होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल है वो करंट को लीड कर रहा है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे वोल्टेज लीड्स अहेड करंट। फेज डिफरेंस के बाद हम पढ़ेंगे फेजर डायग्राम, इसे हम फेजर आरेख भी कहते हैं। फेजर डायग्राम वह डायग्राम होता है जिसमें हम एसी करंट और उसी फ्रिक्वेंसी के वोल्टेज में फेज डिफरेंस के साथ साथ रोटेशनल वेक्टर आई वेक्टर और वी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
एसी परिपथ जिसमें विशुद्ध प्रतिरोध हो, एंड एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टेंस। जब हम किसी रेजिस्टेंस को किसी एसी से कनेक्ट करते हैं, एसी वोल्टेज जो अपन ने अप्लाई किया वो है यहाँ पे वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पर करंट में क्या डिफरेंस होता है वो हम यहाँ पर देखते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया, करंट और पोटेंशियल में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, तो यहाँ पे हम उसको चेक करके देखते हैं क्या होता है या नहीं होता है। तो हमें मालूम है पोटेंशियल जो हमने अप्लाई किया वो है वी इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमें मालूम है यहाँ पे वी इक्वल्स टू जो होता है वो आई आर के बराबर होता है बाय ओम्स लॉ। तो जब हम यहाँ पर V की जगह इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा आई आर इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है R, और R को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमें मिलेगा आई इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन R साइन ओमेगा टी। अब जब देख रहे हैं हम लोग V नॉट अपॉन R, तो हमको वापस ओम्स लॉ याद आता है, V नॉट अपॉन R क्या होगा, I नॉट के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे V नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, तो हमें जो करंट मिलेगा वो भी पीक वैल्यू ही मिलेगी। तो हमें रिलेशन मिलता है I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं जो करंट है उसका फेज और पोटेंशियल का फेज जो होगा वो सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन का जो एंगल है वो ओमेगा टी है, और यहाँ पे भी साइन का एंगल जो है वो ओमेगा टी है। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो फेज होगा और पोटेंशियल और करंट का फेज सेम होगा। और हमें इस सर्किट में फेज डायग्राम की भी जरूरत होती है, क्योंकि फेज डायग्राम हमें रिलेशन देता है फेज डिफरेंस का और रोटेशनल वेक्टर का। तो यहाँ पे जब हम फेजल डायग्राम बनाएंगे तो हमें मिलेगा एक्स एक्सिस में हमने लिया तो हमें मिलेगा V, अगर हम मानते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम T पर इसकी पोजीशन, जो एंगल यहाँ से हमने माना वो माना ओमेगा T, तो हम देखेंगे जो करंट होगा वो भी इसी फेज में होगा। और फेजर डायग्राम से हम एक और चीज़ निकाल सकते हैं, अगर हम फेजर डायग्राम से कोई परपेंडिकुलर डालें एक्सिस पे तो हमें वो क्या देगी, वोल्टेज की वैल्यू। इसी तरह से हम करंट की वैल्यू उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस तरह हमने रेजिस्टेंस की कैरेक्टरिस्टिक देखी किसी एसी सर्किट में, इसी तरह हम देखेंगे किसी कैपेसिटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी किसी एसी सर्किट में। तो जब हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, तो हमें मालूम है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू Q बाय V, और V का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा सी वी इक्वल्स टू क्यू। और हमें मालूम है करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज़ डी क्यू अपॉन डी टी। इसलिए हम इसका दोनों तरफ जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मिलेगा डी बाई डी टी ऑफ सी वी इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी। और हमें यहाँ पे वी की वैल्यू मालूम है वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो वो वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और सी कॉन्स्टेंट है तो उसको बाहर निकालेंगे, तो डी बाई डी टी ऑफ वी नॉट साइन ओमेगा टी, और हमें मालूम है डी क्यू अपॉन डी टी इज करंट, तो यहाँ पे हम रखेंगे I। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा सी वी नॉट साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन होगा कॉस ओमेगा टी, और जब हम ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा ओमेगा इक्वल्स टू आई। तो यहाँ से हमारी आई की वैल्यू आएगी सी ओमेगा वी नॉट कॉस ओमेगा टी। अब हम चाहते हैं करंट को वोल्टेज से कंपेयर करना, तो वोल्टेज जो है वो साइन का फंक्शन है और करंट जो है वो कॉस का फंक्शन है, तो इसको हम लोग साइन में कन्वर्ट करेंगे। और हमें मालूम है साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी। अब जब हम यहाँ देखते हैं सी ओमेगा को, तो सी ओमेगा एक ऐसा कंपोनेंट है जो वी नॉट के साथ है, और हमें ये वी नॉट की जगह क्या चाहिए, करंट चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सी ओमेगा को नीचे ले जाएंगे तो हमें मिलेगा वी नॉट अपॉन वन अपॉन सी ओमेगा, और यहाँ पर बचेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब हमें जैसा कि मालूम है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट के बराबर होता है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कौन कर रहा है, वन अपॉन सी ओमेगा। तो जब भी हम किसी कैपेसिटर को किसी एसी में रखते हैं तो यहाँ पर भी क्या होती है, कुछ रुकावटें आती हैं, उन रुकावटों को यहाँ पर हम बोलेंगे वन अपॉन सी ओमेगा, लेकिन इन रुकावटों को हम यहाँ पर रेजिस्टेंस ना बोल के बोलते हैं रिएक्टेंस।
यहाँ पे एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग सिर्फ कैपेसिटर के लिए और इंडक्टिव कॉइल के लिए। तो क्योंकि हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे XC, जो नोटेशन है रिएक्टेंस का, उसकी वैल्यू होगी 1/C ओमेगा। तो इसकी जगह हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा I=V0/XC sin ωt + π/2। यहाँ पे V0/XC, क्योंकि हमने बताया XC क्या है, ये एक रेजिस्टेंस ही है। बट अपन लोग कैपेसिटर में जब भी कनेक्ट करते हैं किसी AC में, तो इस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं रिएक्टेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको हिंदी में प्रतिघात भी कहते हैं। तो V0/XC क्या हो जाएगा, I0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा जो फाइनली करंट की वैल्यू आएगी वो आएगी I=I0 sin ωt + π/2। जब हम इसको कंपेयर करते हैं अप्लाइड वोल्टेज से, तो आप देख सकते हैं कि हमें जो करंट मिल रहा है वो पाई बाई टू फेज ज़्यादा है वोल्टेज से। तो हम देखेंगे कि जब पोटेंशियल की वैल्यू मिनिमम होगी तब करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और अपना कुछ इस तरह का क्या होगा, अपन लोगों को डायग्राम मिलेगा। इसी तरह हम बात करेंगे फेजर डायग्राम की। तो फेजर डायग्राम में हम देखेंगे जो करंट होगा उसका फेज जो होगा वो पोटेंशियल के फेज से पाई बाई टू अहेड होगा, यानी अग्रगामी होगा। और इसको इस तरह से भी कह सकते हैं जो वोल्टेज है वो पाई बाई टू पश्चगामी है। जिस तरह हमने बात करी रेजिस्टेंस की, कैपेसिटेंस की, अब हम उसी तरह बात करेंगे इंडक्टिव कॉइल की। जब हम किसी इंडक्टिव कॉइल को किसी AC सोर्स से कनेक्ट करते हैं, तो AC सोर्स से कनेक्ट करने पर इसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं वो हम अब नोट करेंगे। जैसा कि हमें मालूम है, जब हम किसी करंट को कनेक्ट करते हैं किसी इंडक्टिव कॉइल से, तो इसके अंदर एक EMF इंड्यूस होता है। उस EMF की वैल्यू हमें याद है -LdIdt। और अगर हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात करते हैं तो हमें मिलेगा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज V+E=0, जो हमें किरचॉफ्स लॉ से मालूम है। अब V प्लस ई की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे माइनस का LdIdt=0। माइनस के LdIdt को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमें मिलेगा V=LdIdt। और जब हम dt का जब यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो हमें मिलेगा VdT=LtI। ये किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू है। अब हम जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे लेफ्ट में विद रिस्पेक्ट टू टाइम और राइट में विद रिस्पेक्ट टू करंट, तो हमें मिलेगा VdT=LdI। अब हमें V की वैल्यू मालूम है जो है V0 sin ωt। इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें मिलेगा V0 sin ωt dt=, क्योंकि L कॉन्स्टेंट तो L को बाहर कर दिया हमने, और यहाँ हो जाएगा ∫ dI। V0 यहाँ पर भी कॉन्स्टेंट है, इसको हमने कर दिया बाहर। अब sin ωt का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो sin ωt का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा cos ωt - क्योंकि t के साथ ओमेगा इसलिए ओमेगा को हम लेंगे डिनोमिनेटर में, L∫1 dI, या फिर dI होगा I। यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी माइनस का V0 cos ωt / ω = L×I। जब इस L को ट्रांसपोज करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी माइनस का V0 / ω L। और cos ωt को, क्योंकि हमें कंपेयर करना है करंट को वोल्टेज से और वोल्टेज है sin ωt में, तो हमको कॉस को भी साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे sin 90 - θ = cos θ, और 90 को हम लिख सकते हैं π/2। अब यहाँ पे जब हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पास वैल्यू आएगी V0/ω L। हमें मालूम है माइनस ऑफ साइन एक्स होता है sin - x, तो यहाँ हो जाएगा ωt - π/2। इस माइनस से अंदर के साइन चेंज रहेंगे, बट ऐसा कॉस के साथ नहीं होता है। = आएगा हमारे पास करंट। जब हम V0/ω L को कंपेयर करते हैं ओम्स लॉ से, तो हमें मालूम है I=V/R होता है। तो यहाँ पे ωL किसकी तरह काम कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और मैंने आपको पहले ही बताया था, जब किसी सर्किट में हम इंडक्टिव कॉइल लगाएं या कैपेसिटर लगाएं,
कोई कॉइल लगाएं या संधारित्र लगाएं, तो हम लोग उस केस में रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस ना बोल के उसको रिएक्टेंस बोलते हैं, प्रतिघात बोलते हैं। तो ओमेगा एल को हम रखेंगे एक्स एल के बराबर, जो होगा प्रतिघात। तो वी नॉट अपॉन अपने पास आ जाएगा एक्स एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू इक्वल्स टू आई। तो फाइनली आई की वैल्यू हमें मिलेगी आई नॉट, क्योंकि वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट होता है। तो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। इससे अपन यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब हम कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं किसी इंडक्टिव कॉइल पे, तो करंट का फेज हमेशा पाई बाय टू कम होता है। तो हम बोल सकते हैं करंट ऑलवेज लैग बिहाइंड पोटेंशियल व्हेन एसी इज कनेक्टेड टू इंडक्टिव कॉइल। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो धारा है वो पाई बाय टू पश्चगामी है वोल्टेज से। तो हम यहाँ बोल सकते हैं जो करंट है वो पाई बाय टू पश्चगामी है वोल्टेज से। आई होप बच्चों आज जो भी टॉपिक्स हमने एसी से रिलेटेड पढ़े हैं वो सब आपको समझ में आए होंगे। तो आप इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िएगा, इसके एक प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। थैंक यू।